आज का दिन राजस्थान के किसानों के साथ बीता। जिला झुंझुनू, नवलगढ़ के करीब के कई गांव। पिछले महीने जयपुर में जब स्वराज संवाद हुआ तो कैप्टन दीपचंद शेखावत आए थे नवलगढ़ के किसानों के दुख दर्द लेके। उनका समर्थन हमने किया। उन्होंने कहा यहाँ जयपुर में सब लोग समर्थन कर देते हैं, हमारे गांव कोई नहीं आता। मैंने वायदा किया था कि जाऊंगा और वो वादा पूरा करने के लिए आज बसावा गांव में जो जनसभा हुई थी वहां पहुंच रहा था। इस इलाके में 2-3 सीमेंट फैक्ट्री बनाने की कोशिश पिछले कई साल से हो रही है। गांव वालों को एतराज है। गांव वाले कह रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री आएगी, प्रदूषण बढ़ेगा, धुआं होगी, क्रशिंग का गर्दा होगा, सेहत को नुकसान होगा। यूं भी ये इलाका डार्क जोन में, यानी कि भूगर्भीय जल, जमीन के नीचे का पानी एक न्यूनतम सतह से भी नीचे पहुंच चुका है। फैक्ट्री आएगी, खूब पानी खींचेगी, हालत और खराब होगी। वैसे भी वो कहते हैं कि अगर फैक्ट्रियां लगानी है तो कहीं दूर जाके बंजर जमीन में लगाओ, यहां तो 3-3 फसलें होती हैं, मैंने अपनी आंख से देखा। ऐसे में सरकार प्रशासन को क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए लोगों की। कर क्या रही है पता है? वो इस जमीन को बंजर घोषित कर रही हैं, ऐसा प्रयास कर रही हैं कि किसी तरह से कुछ जमीनें कंपनियां खरीद लें और बाकी सरकार एक्वायर कर ले, इन दोनों को मिला के काम चल जाए। कुछ जमीन केवल दलित खरीद सकते हैं तो कंपनी के कर्मचारियों के नाम से जमीनें खरीदी जा रही हैं, राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी की जा रही है। इसके खिलाफ आज की सभा थी, लोग इकट्ठे हुए, आदमी थे, औरतें भी थी, अपनी व्यथा बता रहे थे, संघर्ष की दास्तान बता रहे थे, अपना विश्वास जता रहे थे। मैं भी उनके साथ शामिल हुआ। उन्हें विश्वास दिलाया कि स्वराज अभियान, जय किसान आंदोलन उनके साथ है। ये भी कहा कि जरूरत हो तो सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण भी उनके साथ खड़े होंगे। इस पर काफी तालियां पीटी। मैंने उन्हें बुलाया, अनुरोध किया कि वो भी जय किसान आंदोलन में शामिल हों, 10 तारीख को जो दिल्ली में रैली हो उसमें आए, एक अनुरोध भी किया। वहां औरतें बहुत सुंदर एक गीत गा रही थी, उन्होंने खुद बनाया था वो गीत, कोनी बेचा मारी जमीना ने, अपनी जमीनों को हम बेचेंगे नहीं। मैंने अनुरोध किया कि रैली में वो आके ये गीत सबके सामने पेश करें। महिलाओं ने स्वीकार किया, वो आएंगी, आप भी आएंगे ना।